बहिया पकड़ के भरी अखबारी और होई गई तैयारी। दुनिया भर के नृत्य प्रेमियन के प्रणाम करें मनोज तिवारी। तहे दिल से प्रणाम बाटे हिंदुस्तान के पूरा भोजपुरिया आवाम के। हम सलाम करतनी, गोर लागतनी वो सबका के डांस के सबसे बड़का शो में जोना के नाम बाटे नस्ले एवरीडे। नाच नचैया धूम मचैया पावर्ड बाई डावर च्यवन प्रस। जैसन की रौरा सबके पता बाटे शुरू हो गई ग्रैंड फिनाले के आगाज। और आज ई महामंच उ तीन गो फाइनलिस्ट जोड़ी पा चुकल बाटे डांस के सबसे बड़का मंच पर सबसे बड़का पहचान के खातिर यलगार करे से पहले। कैसा लगा था आज कनुदा? तीनों जोड़ी कमाल के हो, तीनों जोड़ी के बेस्ट ऑफ लक। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बस जम के किए तोड़ दिया स्टेज। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बट अब आपके सामने जिस चीज के लिए आप यहाँ आए हो वो है ट्रॉफी, जो टाइटल के लिए आप लोग यहाँ आए हो। तो मैं आप तीनों से यही बोलूंगी कि जी तोड़ मेहनत कीजिए, बिकॉज तीनों का लक्ष्य अब एक ही है, द टाइटल, और जाएगा सिर्फ एक को। अब वो एक कप हासिल करने के लिए, वो एक टाइटल हासिल करने के लिए आप लोग कितनी मेहनत करते हो ये आप पे निर्भर है। बट आप तीनों को मैं विश करूंगी ऑल द बेस्ट, और दिल से यही दुआ करूंगी जो बेस्ट है उसे ये टाइटल मिले, एंड ऑल द बेस्ट। मैं आप तीनों को ये बात बोलूंगा कि अब इसमें से कोई एक विनर होगा। नाच नचैया धूम मचैया का एक विनर होगा, एक स्टार होगा, एक के नाम पे वो सरताज होगा। लेकिन मेरे लिए जो काउंटिंग होती है वो एक से तीन के अंदर ही होती है बेस्ट, क्योंकि मैंने बचपन से अभी तक जो भी देखा है 1, 2, 3 में होता है, बेस्ट 3 होता है, बेस्ट 2 होता है, बेस्ट 1 होता है। तो तीन में आने के बाद मेरे लिए तीनों नंबर 1 होते हैं। तुम लोग तीनों नंबर होना हो और अपने तरफ से बेस्ट करना जितना हो सके, क्योंकि अब बहुत टक्कर वाला मामला है। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और मनोज जी है, मनोज जी बाकी कुछ सिखा देंगे डांस आप लोग। बहुत सही, ये सबसे सबसे अच्छा आशीर्वाद रहल। अगर मास्टर जी, गणेश मास्टर जी मनोज तिवारी के कहें कि मनोज तिवारी सिखा दी, तो निश्चित रूप से वो हमरा के लायक बना दी कि हम सिखा सकें। आज से ग्रैंड फिनाले के काउंट डाउन शुरू। आज से आप लोग के जितना परफॉर्मेंस हुई वो सब नंबर विजेता बने खातिर। आज से मार्किंग के भी मीटर डाउन हो गेल बाटे। आज के नंबर ग्रैंड फिनाले के मुकाबला के दिन जोड़ल जाए और ऐतिहासिक फैसला के ऐलान करल जाए। तो साहेब वो जश्न के आखिरी एपिसोड हो ये ग्रैंड फिनाले के 11 दिसंबर 2011। गणेश मास्टर जी, सुधा जी, कानुदा, हमने के ये डांस के शो नाच नचैया धूम मचैया कितना पॉपुलर बा कि ग्रैंड फिनाले में विशेष करके हमने पार्टिसिपेंट लोगन के नृत्य देखे खातिर हमने के वृंदावन से चल के तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी पुरुषोत्तम महाराज जी हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। हम उनका भी स्वागत कर लेना चाहते हैं और उनके साथ गोपी कृष्ण जी का स्वागत करते हैं और उनके साथ जो हमारे आदरणीय ज्योतिषी जी हैं उनका भी स्वागत करते हैं। माँ तुलसी पीठ के तत्वाधान में आप सभी लोग पधारेंगे कार्तिक महोत्सव में। और हम ही लोग नहीं आएंगे, जो इस शो को जीतेगा महाराज जी उसको भी आप तीनों में जो भी सफलता की सीढ़ी में जाता है उसे तो आशीर्वाद है ही कि वो सफल हुआ, दुनिया देश का आशीर्वाद लेगा। लेकिन हम और जो दो हैं उनको भी ये आशीर्वाद देते हैं कि वो अगली बार सफलता पाएंगे 100%। वृंदावन बिहारी लाल की बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपके ये शब्द हम लोगों के लिए बहुत काम करेंगे, तो लोग खाएंगे भी, ठीक ना? तो अब शुरू हो रहा बाटे एक घमासान और हम बुला रहे बनी सबसे पहले रिंकू घोष
और उनकर पार्टनर मदन जी के। जोरदार ताली स्वागत, आई जाइए। सबसे पहले तो ग्रैंड फिनाले में टॉप थ्री में जगह बनावे खातिर बहुत बहुत मुबारकबाद तोरों के बचवा मदन, अच्छे लागत हुई? बिल्कुल, उम्मीद की थी कि यहाँ तक पहुँचूंगी जरूर, और अब जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। कंपटीशन पहले भी था और अब ज़्यादा टफ कंपटीशन देंगे, ये डेफिनेटली प्रॉमिस करती हूँ। चलिए चैलेंज देवे के चाहे कहें कि जोरदार जो ये घमासान चालू बाटे एकरा में इलो के भी चैलेंज मिलल बाटे, और इलो के चैलेंज के दिले बा का दिले बाटे इरवा सब देख ली। हम रिंकू जी और मदन को चैलेंज करना चाहेंगे क्योंकि अभी तक उन्होंने एकदम इंडियन क्लासिकल एक्सप्रेशन वाले गाने यही करते आए हैं, तो इस बार एक तड़क भड़क आइटम जो उनकी स्टाइल नहीं है हम उन्हें वो चैलेंज करना चाहेंगे। सीमा जी के इस चैलेंज को हम बहुत ही खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं और बखूबी निभाएंगे जैसे अब तक हम निभाते आ रहे हैं। तो निभाई? बिल्कुल निभाई। निभाई? बिल्कुल, एकदम तैयार बानी। थोड़ा सा निभावे खातिर हमरो से बचो ले रहो। आपके चैलेंज मिलल सीमा और जोनू से। सीमा और जोनू, तुम लोग के अपने चैलेंज के जवाब मिलल? एकदम तड़का भड़का। अच्छा मिलल? थैंक यू। ये दोस्ती वाली बात लगा था? नहीं, दोस्ती वाली नहीं, बहुत अच्छा लगा। और मैंने कभी नहीं देखा था इनको, मतलब आइटम करते हुए। हाँ। तो इसीलिए मैंने ये चैलेंज किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मास्टर जी, आपके पसंद आई? नहीं, ये तो ऐसा लग रहा था मुझे चैलेंज कर रहे गाना बता के। मास्टर जी, पहली बार आइटम किया था तो डर था क्योंकि आपने कोरियोग्राफ किया ये गाना, लेकिन इसका मूवमेंट ऐसा नहीं था। नहीं था, चोर था। हाँ। वो तो था, लेकिन ये तो मास्टर जी ने सिखाया, मतलब क्या यार बैनी कहाँ गया वो, क्या है ऐसा था कोरियोग्राफ किया भाई, इसका इतना अच्छा मूवमेंट था। गाना बजाओ हम इधर से। ऐसा था, बहुत अच्छा किया। और तुमने सचमुच रिंकू है ना, वो आइटम का वो अटेम्प करेक्ट किया, लेकिन चेहरे पे तुम्हारे सूट नहीं करता क्योंकि तुमने है ना वो आइटम वाला एक्सप्रेशन ही नहीं दिए। और मदन तो हीरो का जैसा कर रहा था, लेकिन मैं सच बताऊं तुमने आफ्ताब से अच्छा किया, तो मैं मार्क आपको दूंगा 10 में 1 कम। क्या कम करनी, क्या जरूरत है 1 कम? 10 में 1 कम? नो। कमाल हो गई हो रिंकू, कमाल का नचलू। थैंक यू मास्टर जी। मदन, तोहार तो जवाब नहीं के। थैंक यू सर, दिल खुश हो गया। थैंक यू मास्टर जी। हम दे थी 9। थैंक यू मास्टर जी, थैंक यू। नो। और सुधा जी आज आपके नंबर नहीं के बताए थे, आप बोल सकी ना सुधा जी? पहली बार आप इतनी हॉट, इतनी सेक्सी, और आई थिंक मैं कई बार ये बोल चुकी हूँ, बट आज आप सुपर हॉट सुपर सेक्सी लग रही थी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। नंबर मत बताइएगा। वही तो मैं कह रही हूँ, बस मैं नंबर नहीं आज दे सकती, सॉरी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो जैसन की आप लोग पता बाकी है, बस कुछ ही कदम के दूरी पर बाटे सबसे बड़का डांस के मुकाबला के महा अंजाम आज के परफॉर्मेंस पर मिल रहा नंबर सीधा ग्रैंड फिनाले के दिन जोड़ाई, मतलब आखिरी फैसला के बुनियाद आज आजमाइश पर चल रहा बटे। तो आज फेरी मंच पर जेकर प्रदर्शन हुई सबसे लाजवाब, ओकरा के मिली नेस्ले एवरीडे परफेक्ट पार्टनर ऑफ द डे के खिताब। तो एह घमासान में रउआ सब बनल रही जा, हम ले रहल बानी
छोटा सा विराम जहाँ बहरहल बटे डांस के पुरवैया जो न के देख रहा बाड़े सब भोजपुरिया रवैया नस्ल एवरीडे नाच नचैया धूम मचैया पावर बाई डाबर चमन प्रास சூப்பரா இருக்கடா आपने साबित कर दिया कि आप सैड सॉन्ग भी अच्छा कर सकते हैं। स्वागत बने डांस के सबसे बड़का सुमी जोना के नाम बटे नेस्ले एवरीडे नाच नचैया धूम मचैया पावर्ड बाई डाबर च्यवनप्राश। कुछ छह दिन के बाद कोनो आम इंसान के सपना आसमान के बुलंदी छुई और भोजपुरिया डांसिंग वर्ल्ड के सबसे बड़का डांसिंग जोड़ी कहलाई। देखल जाओ अगला जोड़ी के चुनौती कैसन मिल रहा बा, कहां से मिल रहा बा। सो हम बुला रहा बनी भोजपुरी सिनेमा के एक वन ऑफ द बेस्ट डांसिंग हीरोइन अनारा गुप्ता और उनका जोड़ीदार लखनऊ के निसार खान। तोराए बात के एहसास बाटे कि कैसन बाल बाल तू लोग बचला जा। कुछ अच्छी चीजें जज को लगी, जैसे कि जज ने कहा कि लास्ट वाला जो मेरा परफॉर्मेंस था उसमें मेरा एक दो मार्क्स से मैं इसमें आ गया हूँ। तो मैं अब इतना ही चाहूँगा कि अर्जुन मुझको बनना है, मुझे केवल अपनी जीत की ट्रॉफी देखनी है और मुझे कुछ नहीं देखना। हम अपनी जीत जान लगा देंगे इस फाइनल की ट्रॉफी को जीतने के लिए। जान सब कोई लगा रहा बटे और ये लोग भी जान लगाई, लेकिन आप लोग खातिर एक चैलेंज मिल रहा बा और चैलेंज आप लोग के सामने बा। मैं अनारा और निसार को चैलेंज देना चाहती हूँ। अब तक अनारा और निसार ने सिर्फ बॉलीवुड स्टाइल ऑफ डांसिंग किया है या तड़कते भड़कते गानों पर डांस किया है, तो मैं चाहती हूँ कि वो दोनों कुछ भोजपुरी सॉफ्ट गाने पर एक कंटेम्प्रेरी करके दिखाएं। चैलेंज हम दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये वादा कर रहे हैं कि इस चैलेंज को हम लोग जीत जान से अच्छा करके स्टेज पर दिखाएंगे। हम दोनों किसी से कम नहीं, अपने परफॉर्मेंस से वो पूरी कोशिश करेंगे बताने की हम स्लो डांस भी कर सकते हैं। गणेश मास्टर जी बहुत अच्छा था। अनारा आपका चैलेंज आपने बहुखूबी उसको निभाया है और एक्सप्रेशंस मूवमेंट फीलिंग्स एक्सेक्ट करेक्ट थे, मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी। धन्यवाद मास्टर जी। मैं आप लोगों को मार्क दूंगा 8। थैंक यू कनुदा, बहुत ही अच्छा ये जो गाना दिल को छूने वाला, अनारा ने इतना बाखूबी से इस एक्सप्रेशन को निभाया, बहुत ही अच्छा आप दोनों ने किया है। धन्यवाद। आपने साबित कर दिया कि आप सैड सॉन्ग भी अच्छा कर सकते हैं। हम भी आप लोगों को देते ही 8। टिंकू ने जो आपको चैलेंज दिया वो आप दोनों ने बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सेप्ट किया, सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया आपने कर दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड रिंकू जी, आपके का लगत बड़े कि चैलेंज कितना हद तक आपके पूरा भइल? मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये और आप लोगों ने भी बहुत अच्छा किया है। ऑल द बेस्ट। चला जा बैठा जी।